कि जब ग्रहण लगता है तो पूरे वातावरण में दूषित हो जाता है, वातावरण दूषित हो जाता है। उस समय वैसे खाना पीना जिस पर असर कर सकता है, जो चालू खाना है उस प्रकार से, जो भी सब्जी दाल चावल रोटी दूध दही ये सब चीज़ें जो कच्चे भोजन है इसमें उसका एक प्रभाव पड़ जाता है, डिब्बा बंद करके रखे तो भी। इसीलिए उस समय खाना पीना मना किया जाता है। इवन सिर्फ ग्रहण दौरान नहीं, सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लगता है, सूतक से ही पूजन यानी विग्रहों को स्पर्श करना और किसी प्रकार का भोजन पानी ग्रहण करना बिल्कुल त्याज्य माना गया है। यह भी बताना आवश्यक है कि वैसी कुछ वस्तु दूध दही या कुछ कच्चे व्यंजन जो बने हैं जिसको तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसमें तुलसी दल या कुशा रखकर उसे एयरटाइट डब्बे में बंद कर दें तो उसकी प्रतिकूलता उसमें कम होगी, वैसे रख सकते हैं। बाकी जो भी भोजन है उसके पूर्व उसे समाप्त कर लिया जाए या बाद में उसकी जो भी व्यवस्था की जाए वो क्योंकि ग्रहण योग्य नहीं रह जाएगा। ठीक, इसीलिए दूसरी बात ऐसी बताई अभी टंडन जी ने जो बताई उस पर मैं जोड़ दूं, गर्भवती स्त्री हाँ गंगा जल या साथ में तुलसी दल साथ रख ले या कुशा साथ रख ले तो गर्भवती की स्त्री के ऊपर में सावधानी से बैठकर रखती हैं, मंत्र जाप करेंगी तो किसी प्रकार का कोई उसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नारियल के साथ में गंगा जल तुलसी दल या फिर कुशा भी रखा जा सकता है भोजन में भी और इसमें भी। ठीक है, लेकिन स्वामी स्वामी सर्वानंद सर सुनाइए। देखिए एक ऐसी बात है, मैं पुनः वही बोलूंगा, सनातनी के जो सनातनियों का देश है भारतवर्ष तो सनातनी है, चाहे जो भी दूसरे धर्म के मानने वाले कभी न कभी वो सनातनी थे, वाजमान रहे जो भी, सभी का सम्मान है हमारे देश में। लेकिन सनातन धर्म सबसे पूरा, सनातन का अर्थ जिसका आदि न अंत, पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुई महादेव जब हुआ इसको कोई नहीं कह सकता, बाकी बारे कह सकते हैं कोई इतने साल, सनातन का न कोई आदि है न कोई अंत है। इसलिए सनातन धर्म सर्वोपरि है, बाकी सभी का मैं सम्मान करता हूँ, सभी को मेरी ओर से। ठीक है, नहीं मंत्र किसी भी कार्यक्रम में मंत्र को मैं बहुत जोर से बोलता हूँ, आज भी प्रारंभिक से बोल रहा हूँ और सारे लोग बोल रहे हैं, मंत्र एक ऐसा पासवर्ड है और मंत्र ऐसी चीज है, न उसमें किसी संसाधन की आवश्यकता है न उपलब्धता की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति पढ़ा हो अनपढ़ हो बीमार हो बालक है वृद्ध है मंत्र कोई भी कर सकता है। कौन सा मंत्र? छोटे छोटे मंत्र, स्वामी जी ने भी बताया मैं भी बोल रहा हूँ, छोटे छोटे मंत्र, ओम सुंग सूर्याय नमः, ओम सुंग सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रिंग ह्रोंग सा सूर्याय नमः, ओम ह्रिंग ह्रिंग सूर्याय नमः, जो आपको रुचिकर लगे जो आसान लगे। फिर तो बड़े बड़े मंत्र हैं ही वो, लेकिन मैं उन मंत्रों को उच्चारित किया। स्वामी दिव्यानंद सरस्वती, कोई जो श्लोक मंत्र नहीं पढ़ पा रहा है, संस्कृत में थोड़ा कमजोर है, अगर वो हाथ जोड़कर ये कहे कि हे सूर्य भगवान मेरी गलतियों को क्षमा करो, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो, हिंदी की ये दो बातें भी पर्याप्त है क्या? बहुत अच्छा अनुराग, बहुत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन की खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ अनुराग।